तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी की सेवा में हाजिर है सबका लाल अक्षय पाल। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था आपको, नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको कि मॉडिफिकेशन की, मेरे जो भारी पड़ी थी मॉडिफिकेशन, तो मैं उसकी मरम्मत कराऊंगा। तो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं भी वही कराने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैं दिखा दूँ आपको कि क्या हाल हुआ पड़ा है मेरी एमटी का। तो भाई दिखा दीजिए ना, इंडिकेटर दिखा दीजिए एक बार, कैसे हो रही है इंडिकेटर देखो। तो क्या इंडिकेटर देख सकते हो, पर इनविजिबल हो चुके हैं इंडिकेटर। तो ये थोड़े महंगे वाले लगवाए हैं मैंने, मजाक कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं लगवाया, ठीक है। और ये हैंड गार्ड उतरवा के भाई मैं मिरर लगवाने वाला हूँ, साइड मिरर, ठीक है। यहाँ पे साइड मिरर आएंगे। और भाई मेरे को ना, मतलब कि मैं बहुत पहले से ही, मतलब कि मैं सोचा इस पर सीट कवर नहीं लगवाया, तो भाई सीट कवर आज लगवाएंगे, ठीक है। तो वो सीट कवर होएगा इंडिकेटर अच्छे वाले, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आएंगे और आपके साइड मिरर आएंगे। तो अभी हम चलने वाले हैं रुड़की एस के सर्विस सेंटर पे, जहाँ पे मैंने पहले ही करवाई थी। तो भाई उनके पास जाएंगे, वो सही करवाएंगे इन सबको, जो भी मेरा सब बिगड़ा हुआ है इसका। और तो बस कुछ नहीं, अब चलो निकलते हैं और मिलते हैं आपके एस के सर्विस सेंटर पर। आज हम इसको कराएंगे सही, बिल्कुल मॉडिफाइड। ये शौक होता है जो जो उसमें करा लेते हैं। और बाढ़ दो भाई, कर दो चेंज सब, इसमें साइड मिरर लगने हैं। अब बढ़िया वाले इंडिकेटर लगा दो यार, मैंने तोड़ दे गुस्से में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, एसके बुलेट सर्विस सेंटर में मैं आ चुका हूँ। और ये भैया, और भैया क्या हाल है? आए आए, हेलो तो कर लियो। देखो इस बार बढ़िया वाले इंडिकेटर लगाने, देखो इसमें, ठीक है। तो गाइस देखो, इसमें काम होएगा अभी इंडिकेटर, पहले वो इंडिकेटर लगाएंगे। तो काम स्टार्ट हो गया है, लाइक बार पे तो मैं इंडिकेटर दिखा दूँ कि कौन से लगेंगे इसमें। तो अभी भैया दिखाएंगे हमें इंडिकेटर, तो कौन से इंडिकेटर भैया हैं? तो भाई KTM वाले हैं ये। भाई देखो ये बोला ऐसे मुड़ गया, टूट रहे, तो भाई ये नहीं टूटेंगे, देखो कैसे है। सही है, एक ही है ना दोनों? लगा दो ये वाले, लगवा दो, ये लगवाए थे मैंने कहा नहीं, ये नहीं था, यही था वो। हाँ तो ये यार यहाँ पर सही लग रहा है, यहाँ पे सही लग रहा है, ये यहाँ पे लगा था ना सही, तभी तो फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ फ्लेक्सिबल नहीं है, देखो ये है सही। तो भाई अभी मैं इनका प्राइस बता दूंगा तुम्हें। चलो भैया कर दो काम स्टार्ट। तो भाई ये हैंड गार्ड थे इसके, लाइट वाले चल तो रहे भाई ये, बट परेशान किया भाई इन्होंने मेरे को बहुत, तो भाई उन्हें निकलवा दिए। निकाल लो ना सालों को, निकल भी ना, अब इतना टाइट कर दिया था क्या? नहीं तब तो ये ऐसे निकल रहे थे अपना आप, अब ये खींचने से भी निकल रहे, क्या आए भैया ये तब तो अपना आप निकल रहे थे, अब ये खींचने में नहीं निकल रहे। बिल्कुल लूज तो कर दिया, बिल्कुल लूज है, छोड़ी मार देख क्या। हां हेलो, जब निकल रहे, निकल रहे थे तो निकल निकल के जा रहे थे, वही तो ये भी तगड़ी चीज दी थी तुमने मुझे, मेरी गाड़ी में है, निकल गया ना ना ना, वीडियो देख के लगवा गए थे ना, अपने इंडिकेटर ले गए थे। अच्छा ले ले भाई ले, ये ना सालों को धर लेना बैग में। तो ये भाई मेरे को याद ही नहीं रहा भाई, ये कसम से मेरे को तो याद ही नहीं था कि मतलब सीट कवर भी लगवाना है इस पर। जब मेरे को 2 मंथ्स हो गए बाइक लिए हुए, तो मेरे को याद आ रहा है, फुली पड़ी है हमारी एम्प्टी।
देंगे भाई जी। तो गाइस ये सीट कवर लगवा ही लेना चाहिए आप, कोई भी ब्लेड वगैरह लग गया या अपना आप से लग जाता है भाई, शूज़ वगैरह लग जाता है उतरते टाइम या बच्चे वगैरह जब बैठते हैं पीछे। देखो ये मैंने सही इंडिकेटर लगवा लिया, मैं आपको इनका प्राइस बता दूंगा अभी वीडियो के एंड में। तो देख सकते हैं आपसे बहुत सही लग रहे हैं भाई ये वाले, देखो इनते सालों कैसे कैसे भी तड़ दो टूटेंगे नहीं भाई, ठीक है। और वो ऐसे थे भाई, उनको हल्का से मैं ऐसे कर रहा था ना तो वो एकदम टूट जा रहे थे मैं, इसलिए बार भाई इंडिकेटर तो हमारे लग चुके हैं। उसका सीट कवर लग रहा है अभी, साइड मिरर लगेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन से लगवाने वाला हूँ। साइड मिरर दिखा दो भैया, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो भाई फिटिंग तक नंबर लगा दो भाई ये वाला लगा दो। तो गाइस इंडिकेटर और भाई मेरे साइड मिरर लग चुके हैं, अभी मैं आपको मतलब यहाँ जगह नहीं है, अभी मैं दिखा दूंगा, पहले मैं अपना व्हील व्हील देख लूँ कितना करना, क्या क्या लगाया, क्या क्या लगाया बताओ तो। इंडिकेटर अरे यार तुमने 500 के बताए थे, अरे तब तू ना छोड़ो लगा दो 500 के, 500 कर दो ना 500 बता दो, बहुत पूछते हैं एड्रेस के। ऑटोमोबाइल है भैया सिविल लाइन नहर किनारा शॉप नंबर 1 कुलदीप सैनी, और ये भाटी टिक्की वालों के सामने है भैया, आप आइए मोस्ट वेलकम, और ये अपना लोगो है भैया। तो भाई मेरा काम वाम सब हो गया, अब आपको मैं जरा खुली सी रोड पर जाकर इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, चलो भैया चलो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ वहाँ से और आपको इसका एक लुक देने वाला हूँ, देखिए गाइज कितनी बेहतरीन लग रही है अब, ये कातिलाना लुक आ रहा है जैसा कि देख सकते हो आप। तो गाइज देखो इंडिकेटर भी बहुत सही है, स्ट्रेचेबल है भाई इधर भी उधर। उसका तो पता क्या था, उसका जो इंडिकेटर थे जो मेरे पहले इंडिकेटर थे भाई, उनका अगर मेरा हाथ लग गया या उतरते हुए, देखो उतरते हुए ऐसा भी हो गया ना, तो भाई वो एकदम मतलब कि टूट जाते थे, और देखो ये नहीं टूटेंगे, ये बहुत सही है भाई इंडिकेटर। और सीट भी आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो सीट पे भी बहुत ही सही काम किया है भाई उन्होंने, सीट देखो कहीं से भी मतलब कि निकली भी नहीं है, बहुत सही काम किया है सीट के। तो वाइज अब मैं इनके बता देता हूँ आपको प्राइस कि मेरे को कितने कितने प्राइस में उन्होंने ये सब मतलब कि प्रोवाइड किया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आऊँगा इसके मिरर पर, तो भाई मिरर जो थे इसके मेरे को 350 के मिरर लगाए उन्होंने, तो 150 रुपये की उन्होंने जो है सीट लगाई मेरी, और 150 और 350 500, और भाई इंडिकेटर मेरे को 500 रुपये लगाए, तो 1000 रुपये का इसमें भाई काम हुआ है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये में सुलट गया काम, सही है बहुत, 150 रुपये लेबर चार्ज कर लिया है, तो बस यही है 1000 रुपये का इसमें सामान लगाया, बस यही है। आप तो ले कर आ सकते हो लगा सकते हो, क्योंकि भाई मेरा तो व्लॉगिंग का काम है, क्योंकि मैं तो लगा लेता, अगर मेरा व्लॉगिंग का काम नहीं होता तो मैं खुद ही घर में लगा लेता, बट अभी मेरा व्लॉगिंग का काम है तो भाई मेरे को करवाना ही पड़ेगा बाहर, ठीक है। अगर आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा तो गाइस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय।